एक और अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। आपसे कुछ देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हलफ उठा लिया है और उसके बाद आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। अपडेट करें आपको, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत कल होना है। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। अफजल जावेद बताइएगा। हाँ जी, देखिए दो रोज कबल ही जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो समाअत 18 सितंबर के लिए मुकर्रर कर दी गई थी, लेकिन ये नहीं फैसला किया गया था कि आया कि लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस की समाअत करेगा या फिर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाएगा। लेकिन आज जो नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जस्टिस काजी फैजी साहब, उन्होंने सदर पाकिस्तान की जाने से जब हल्फ उठाया तो उसके बाद पहला ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो समाअत है उसके लिए फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाएगा और इस केस की समाअत जो है कल होगी। और स्टार ऑफिस की जानिब से भी तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल, वफाकी सेक्रेटरी कानून समेत जो दीगर फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए। लिहाजा जो 8 रुकनी जो लार्जर बेंच जिसकी सरबराही पहले सबक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उम्रता बंजाल ने की थी, उस हवाले से उसमें इम्तना जारी किया था, उस पर अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैजीसा ने फुल कोर्ट तश्कील दे दिया है जो कल के दिन इस केस की समाअत करेगा। जी अफजल जावेद बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।